साफ पानी हर शहरी का हक पर जनूबी पंजाब के सब तो बड़े शहर मुल्तान के वासी अज भी इन नेमत तो महरूम हैं। एक करोड़ 22 लाख नफूस से मुश्तमिल शहर मुल्तान साफ पानी की बुनियादी दे लाजमी जरूरत तो महरूम। इक्कीसवीं सदी च भी इत्थां दे वासी जहरीला पानी पीवण ते मजबूर। अगर प्लांट लगाए हैं तो उनको साफ करने के लिए इनका कोई बंदोबस्त नहीं है, उनके फिल्टर खराब हो जाते हैं, कोई साफ करने वाला ही नहीं होता। इधर आवाम कुछ 2-3 प्लांट चला रही है तो अपने पैसों के खर्च से अपनी मदद आपके तहत चला रही है। मुल्तान बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ साफ पानी मिल ही नहीं रहा। जो भी इन्होंने प्लांट लगाए हैं गवर्नमेंट ने, वो भी नाकिस पानी आ रहा है, उसमें कोई सफाई नहीं है, सारे जरासीम वगैरह, और इसी वजह से कई बीमारियां फैल रही हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं इन पानी की वजह से। जेरे जमीन पानी च आर्सेनिक की मकदार मुसलसल वधारे थे, तिबी माहरीन भी खतरे की घंटी बजा रही थी। 2010 के फ्लड के बाद जो अंडर वाटर टेबल है पानी की, वो सारी चेंज हो गई है, जिसके अंदर हमारा पानी एक तो आलूदा हो गया है और हार्ड वाटर हो गया है, जिसके अंदर केमिकल ज़्यादा हो गए हैं, जिसमें जिंक हम ज़्यादा कहते हैं, जिंक और बाकी जो नुकसानदेह एलिमेंट हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं इसके अंदर। उस वजह से जो बीमारियां हैं बच्चों के अंदर पैदा होने वाली, उनका रुझान और उनका नंबर बढ़ता जा रहा है, जिनमें हेपेटाइटिस बहुत ज्यादा कॉमन है। रहायशी इलाके होवेन या कारोबारी मरकज, शहर कितें भी साफ पानी मुयसर करनी। पिछले साल 100 स्कूल शुरू थी वाला साफ पानी का मनसूबा भी आज तक मुकम्मल न थी सकिया।